इस वक्त मैं कराची प्रीमियर लीग की एमओयू साइनिंग तकरीब में मौजूद हूं। इसमें तकरीबन 31 मैच होंगे और 8 टीमें होंगी और पीएसएल के बाद आई थिंक ये बहुत बड़ी लीग बनने वाली है। इस लीग से जो लोग मुंसलिक हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूं और मुझे पता है कि ये लीग जो है वो आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी लीग बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आपको भी लोगों से मिलवाते हैं, इसके जो करता धरता है, इसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और बहुत सारे साहबी भी हैं। आइए चलते हैं। एम डी कराची प्रीमियर लीग हीरा सोमरो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे ख्याल आया। मुझे ये बताइएगा क्या इसमें कोई ड्राफ्ट सिस्टम है या किस तरह प्लेयर्स को पिक किया गया और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें हैं कुछ? इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है, इसमें हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं उनको हमने सपोर्ट किया है, ग्रास रूट लेवल पर काम किया है और वहीं सेलेक्शन हुई है हमारी, डिफरेंट हमारे जितने भी क्लब्स बने हुए हैं उसमें सेलेक्शन हुई है और हम इंशाल्लाह उनको आगे लेकर आ रहे हैं। हसनैन आपको पता है वो हमारे ही प्रोडक्ट हैं, हमने ही उनको लॉन्च किया और आज वो माशाल्लाह आपके सामने हैं। इसमें कितनी टीमें और कितने मैचेस हैं तकरीबन और क्या प्राइज मनी है? 31 मैचेस होंगे इंशाल्लाह इसके और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास 8 टीम्स हैं और प्राइज मनी हमारे पास जो है वो 1 लाख से ऊपर है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डायरेक्टली अप्रोच पीसीबी नेशनल टीम ने करेगी। तो आप देखें इंशाल्लाह ताला कि क्या प्रोडक्ट क्या सामने आता है, हमारी तरफ से 100% एफर्ट्स हैं, बाकी अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन करे। बेस्ट ऑफ लक हीरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोइज बिन जाहिद साहब चेयरमैन कराची प्रीमियर लीग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इस लीग के बारे में मुख्तसरन बताइएगा। जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। बेसिकली कराची प्रीमियर लीग हमने स्टार्ट की है ग्रास रूट टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, तो हमने ये नर्सरी फॉर्म किया जिसमें जो है हम वो टैलेंट निकाल के सामने लाएं जो फर्दर बड़ी क्रिकेट खेल रहे, जैसे पीएसएल हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो लोग शामिल हों। तो ये अल्लाह का शुक्र है जब हमने 2018 में जब इसका पहला सीज़न 31 मैचेस लाइव कराए थे तो हमें ये एहसाज़ मिला कि वहाँ से हमने एक प्रोडक्ट निकाला, मोहम्मद हसनैन जो कि फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स में उनकी सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद उनकी वहाँ पर दी गई परफॉर्मेंस के बाद वो पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट बन गया फास्ट बॉलर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें एजाज़ ये है कि मोहम्मद हसनैन जो प्रोडक्ट निकला वो हमारे पास से निकल गया। वेरी नाइस। तो अभी आप कुछ बता सकेंगे कोचेज में किन किन से आपका रब्ता हुआ है और मेंटर्स में कौन कौन आपकी नज़र में है? अच्छा, बेसिकली जो 8 हमारी टीम्स हैं उन सब के 8 डिफरेंट कोचेज हैं हमारे, सही है। जो टीम अभी वो डिस्क्लोज हम करेंगे सारी चीज़ों की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के बहुत ही नामवर बड़े नाम हैं जिनको अभी हमने समझे छुपा के रखा हुआ है और वो एक हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम रिवील करेंगे वो नाम। अभी हमारे सब और भी ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जिनको इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि वो गवर्नर हाउस में हमारी होगी और उसमें हम सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देंगे एक्चुअल डेट्स के साथ, वेन्यूज के साथ, हमारी बाकायदा जो पूरी टीम होगी वो भी सामने आपके साथ फ्रंट पे आ जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू।